हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको पता है बैटरी जो है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बैटरी जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इसके अंदर जो है कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं और ये केमिकल रिएक्शन जो होती है दैट कॉज पोटेंशियल डिफरेंस। इन्हीं के द्वारा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो उसके अंदर जो वो होता है, इलेक्ट्रॉन जो वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे करंट फ्लो करेगा उसमें इन रेजिस्टेंस आर, कोई रेजिस्टेंस है या कोई रेजिस्टर है उसमें करंट जो वो फ्लो करता है। तो ये करंट जो होता है या जो सोर्स ऑफ जो एनर्जी है यहाँ पे करंट के रूप में जो एनर्जी यहाँ पे आती है तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट जो होता है दैट इज यूज्ड इन यूजफुल वर्क, है ना। इससे कुछ यूजफुल वर्क जो वो किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फैन की, एक फैन की अगर हम बात करते हैं तो फैन के अंदर एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज यूज्ड टू मूव द ब्लेड्स, है ना। जो ब्लेड्स होते हैं फैन के उसको घुमाने के लिए जो है एक अमाउंट जो एनर्जी का होता है दैट इज यूज्ड, उसको यूज कर लिया जाता है। और रेस्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ से बच जाती है वो एनर्जी जो है वो किसके लिए यूज होती है फिर, दैट इज यूज्ड टू हीट अप द डिवाइस। वो डिवाइस को हीट अप कर देती है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे आप फैन को देखेंगे, लंबे टाइम तक आप फैन को चला के रखते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है, वो गर्म होने लग जाता है। दैट मीन्स कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हीट अप करता है, उस डिवाइस को हीट जो है वो करता रहता है। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट। और इसका जो एप्लीकेशन आप देखते हैं हीटिंग इफेक्ट की, वो आप देखते हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसमें ये इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर देती है, हीटिंग इफेक्ट कॉज देती है, जिसके कारण हीटर की जो वायर होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। और जैसे आयरन होता है आपका, है ना, प्रेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक प्रेस में भी ये इफेक्ट जो वो यूज किया जाता है, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट जो वो यूज किया जाता है। अब देखो, हमारे पास एक जैसे सर्किट है उसमें करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है, आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इन अ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस दैट इज आर, आर रेजिस्टेंस में ये करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमने मान लिया इसको दैट इज अ वी, वी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। नाउ क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज दैट फ्लो इन दैट रजिस्टर, उस रजिस्टर के अंदर जो है वो क्यू चार्ज जो वो फ्लो रहा है विद पोटेंशियल डिफरेंस वी इन टाइम टी में। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन जो है वो हो रहा है, वर्क डन यहां पे हो रहा है उस डिवाइस को चलाने के लिए दैट इज इक्वल टू वी क्यू। मींस जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे यहां पे हमने बैटरी की बात की थी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उस सोर्स ऑफ एनर्जी को इतना जो सोर्स है एनर्जी का वो उसको इतना प्रोवाइड जो है वो करना पड़ेगा ताकि ये जो वर्क डन हो रहा है वो हो सके, है ना, इन टाइम टी में, जो मैंने बताया आपको इन टाइम टी में जो है वो होना चाहिए। अब देखो यहां पे जो हम पावर निकालेंगे, पावर किसके बराबर होगी, पी इज इक्वल टू दैट इज वी क्यू अपॉन टी के बराबर जो वो होगी। और क्यू टी दैट इज द चार्ज फ्लो इन पर टाइम, और इसको हम क्या बोलते हैं, Q अपॉन T इज इक्वल टू I के बराबर होता है। तो P किसके बराबर हो गया, P इज इक्वल टू VI। तो इस फॉर्मूले से आप पावर जो है वो निकाल सकते हैं।
जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट दिया हो, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज यूज्ड टू हीट अप द डिवाइस, जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो कहां पे यूज हो रही है, टू हीट अप द डिवाइस, उस डिवाइस को हीट अप करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज की जा रही है, ठीक है। तो यहां पे जो ये हीट अप हो रहा है, ये जो डिवाइस या जो रजिस्टर हमारे पास है वो हीट हो रहा है, हीट अप हो रहा है, तो वो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास बनता है दैट इज एच इज इक्वल टू वी आई टी, है ना। वो जो डिवाइस है वो हीट अप हो रहा है इन टाइम टी में, तो एच इज इक्वल टू हो गया आपके पास वी आई टी, ओके। और एच इज इक्वल टू वी आपको पता है बाई, जब हम अप्लाई करेंगे यहां पे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है, ओके। वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे मैं इस वी की जगह आई आर की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज एच इज इक्वल टू आई आर आई टी, ओके। और एच इज इक्वल टू आई का मैंने स्केयर कर दिया और आई स्केयर आर टी, दिस इज कॉल्ड हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। जूल्स हीटिंग लॉ जो है इसको हम बोलते हैं, दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, दैट मीन्स ये क्या बताता है, दैट इज द हीट इज प्रोड्यूस इन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस आर, इन रेजिस्टेंस आर, एंड सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन विच करंट, करंट आई इज फ्लोइंग, जिसमें करंट आई जो है वो फ्लो रहा है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी वो होता है। एंड थर्ड वन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम टेकन टू मूव करंट आई इन रेजिस्टेंस आर, इसके बराबर जो है वो होता है ये जो हीट यहां पे प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो क्लियर हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।